चार अनाथ चिड़िया बहने। एक पुष्पा नाम की एक बहुत ही सुंदर और प्यारी सी चिड़िया थी। पुष्पा चिड़िया पिंकू चिड़िया से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए बहुत जल्द वे दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद पुष्पा चिड़िया गर्भवती हो जाती है। देख पुष्पा, कान खोल कर सुन ले, मुझे सिर्फ बेटा ही चाहिए, मुझे बेटियों से कोई लगाव नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बेटा या बेटी होना ईश्वर के हाथ में है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम कुछ नहीं करोगी तो कोई बात नहीं, मैं तो कर सकता हूँ ना। अगर बेटी हुई ना तो मैं उसे घोंसले से उठाकर बाहर फेंक दूंगा। रिंकू की बात सुनकर पुष्पा चिड़िया बहुत घबरा जाती है और दिन गिन गिन कर अपने अंडों से बच्चों के बाहर आने का इंतजार करने लगती है। लेकिन पुष्पा चिड़िया अपना भाग्य नहीं बदल पाती है और उसे बेटा नहीं दो बेटियां पैदा होती है, जिसके बाद पिंकू चिड़िया का व्यवहार पुष्पा के प्रति बिल्कुल बदल जाता है। आप नाराज मत होइए पिंकू जी, अगर भगवान ने चाहा तो इस बार हमारे घर पर बेटा ही होगा, मैं फिर से गर्भवती हूँ। लेकिन इस बार भी भगवान पुष्पा की नहीं सुनता है और पुष्पा चिड़िया को एक बेटा ही पैदा होता है। इस तरह एक एक करके पुष्पा चार बेटियों की माँ बन जाती है। अब मुझे तेरे जैसी चिड़िया की अपने घोंसले में कोई जरूरत नहीं है। अरे तूने एक एक करके यहाँ पर चार बेटियाँ पैदा कर दी है, अपनी चार बेटियों को लेकर तुरंत इस घोंसले से बाहर निकल जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अब दूसरी चिड़िया से शादी करूंगा, मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं है। पति पिंकू की बात सुनकर पुष्पा चिड़िया दुखी मन से अपने चारों बेटियों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। कुछ दूर जाने पर तेज बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? एक तो हमारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, ऊपर से इतनी मूसलाधार बारिश में मैं अपनी नन्ही नन्ही बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊँ? इसके बाद पुष्पा चिड़िया अपनी चारों बेटियों को एक बड़े से पेड़ पर पत्तों के पीछे छिपा देती है और खुद उनके लिए कोई सुरक्षित स्थान और भोजन तलाशने के लिए निकल जाती है। कितनी देर हो गई माँ को गए हुए, माँ भोजन लेकर अभी तक नहीं लौटी, अब तो रात भी होने वाली है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। काफी देर तक चारों बच्चियाँ पेड़ पर छिपकर अपनी माँ का इंतजार करते रहती है। लेकिन जब पुष्पा चिड़िया नहीं लौटती तो बड़ी बेटी रूपा माँ को ढूंढने के लिए निकल जाती है। माँ, ये क्या हो गया आपको? आप तो हमारे लिए भोजन लेने गई थी ना, अब हमारा क्या होगा? हम चारों बहनें कहाँ जाएंगे? कौन हम बहनों का ध्यान रखेगा? रूपा चिड़िया की रोने की आवाज़ सुनकर पास में रहने वाला गट्टू कबूतर वहाँ आ जाता है। रूपा बेटा, क्या ये चिड़िया तुम्हारी माँ थी? आज की तेज बारिश में जब ये इस पेड़ से फल लेने आई तो एक भारी भरकम डाल इसके ऊपर गिर गई थी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई है। तुम्हारी माँ की मौत का मुझे बहुत दुख है बेटा। गट्टू कबूतर की बात सुनकर रूपा चिड़िया रोते बिलखते हुए अपनी बहनों के पास वापस लौट जाती है। मुझे माफ कर दो मेरी बहनों, मैं माँ को वापस नहीं लेकर आ सकी, माँ हमें इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई है। अब हम चारों बिल्कुल अनाथ हो गए हैं, हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है, अब हमें अकेले ही इस दुनिया में रहना होगा। रूपा चिड़िया की बात सुनकर वे चारों बहनें रोने लगती है। तुम तीनों बिल्कुल भी फिक्र मत करो, अब मैं ही तुम तीनों का ध्यान रखूंगी और तुम तीनों को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। इसके बाद रूपा चिड़िया काम मांगने के लिए बिरजू तोते के यहाँ जाती है। सेठ जी, आपका इतना बड़ा कारोबार है, मुझे अपने घर में काम पर रख लीजिए, मैं बहुत मेहनत से काम करूंगी। मैं अनाथ हूँ सेठ जी, मुझ पर मेरी तीन बहनों की भी जिम्मेदारी है, अगर मुझ अनाथ की थोड़ी मदद कर देंगे तो भगवान आपका भला करेगा। अरे तू छोटी सी चिड़िया क्या काम करेगी, चल भाग यहाँ से। हम अनाथ बेसहारा चिड़ियों का कोई नहीं है सेठ जी, भगवान के लिए मुझे काम पर रख लीजिए, मैं दिन रात मेहनत करूंगी, मेरी छोटी बहनें भूख से तड़प रही हैं। रूपा चिड़िया की बार बार विनती करने पर बिरजू सेठ को उसके ऊपर दया आ जाती है और वो उसको काम पर रख लेता है। रूपा चिड़िया बहुत मेहनत से बिरजू के घर की साफ सफाई और खाना बनाने का काम करती है, जिससे खुश होकर बिरजू सेठ रूपा को भोजन और रुपए देने लगता है। कुछ दिन बाद, देखो मेरी बहनों, आज मुझे तनख्वाह मिली है, आज मैं तुम तीनों का दाखिला जंगल के स्कूल में करवाऊंगी, तुम तीनों को पढ़ लिख कर माँ का नाम रोशन करना है। रूपा चिड़िया बहुत मेहनत करती है और अपनी बहनों का दाखिला जंगल के स्कूल में करा देती है। रूपा की तीनों बहनें भी बड़ी दीदी की बात मानकर बहुत मेहनत से पढ़ाई करती है। कुछ दिन बाद, दीदी जल्दी बाहर आइए, देखिए आज हमें क्या मिला है। क्या मिला है मेरी प्यारी बहनों को? दीदी आज हमें छात्रवृत्ति मिली है,
अब आपको हमारी फीस देने की कोई जरूरत नहीं है। हमें स्कूल की ओर से ही किताबें और यूनिफॉर्म भी मिलेगी। अरे वाह गुड़िया, तुम तीनों ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करती रहो, तुम तीनों ही तो मेरा सब कुछ हो। रूपा की तीनों बहनें मन लगाकर पढ़ाई करती है और बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाती है। आज अगर माँ होती तो कितनी खुश होती। आज तुम तीनों ने माँ का नाम रोशन कर दिया। तीनों ने नहीं, चारों ने। बेटा रूपा, अगर आज तुम्हारी माँ होती ना तो उसे सबसे ज्यादा तुम पर ही गर्व होता। तुमने कभी किसी काम को छोटा नहीं समझा, अपनी तीनों बहनों को माँ बनकर पाला पोसा। अरे तुम्हारी जैसी बेटी और बहन पाकर इनका जीवन धन्य हो गया है। आज अगर ये तीनों डॉक्टर बनकर इतना नाम कमा सकी है ना, तो इनके पीछे तुम्हारी दिन रात की मेहनत ही है। हाँ। गट्टू काका बिल्कुल सही कह रहे हैं दीदी, हमें तो माँ पापा का चेहरा भी याद नहीं है। आप ही हमारे लिए हमारी माँ पिता सब कुछ हो। हाँ दीदी, अब से हम लोग अनाथ नहीं है, आप ही हमारे लिए हमारी माँ हो। देखो बच्चों, तुम्हारी दीदी ने तुम्हारे लिए बहुत बलिदान दिया है। तुम चाहे जीवन में कहीं भी जाना, लेकिन अपनी बहन को कभी मत भूलना। हाँ। गट्टू कबूतर की बात सुनकर चारों बहनें रोते हुए गले लग जाती हैं और खुशी खुशी जीवन बिताने लगती हैं। गर्भवती चिड़िया पर जुल्म। ये कहानी एक टूनी नाम की चिड़िया की है, जो सुंदर नगर जंगल में अपने पति रमेश और सास मीना के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत ही सीधी सादी सी चिड़िया थी, लेकिन उसकी सास मीना बहुत ही गुस्सैल स्वभाव की थी। अरे ओ टूनी, जरा इधर तो आ। क्या बात है माँ जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अरे गलती तो मुझसे हो गई, जो तेरी जैसी अच्छी सूरत देखकर अपने इकलौते बेटे की शादी तुझसे करा दी। जिस दिन से इस घर में आई है, मनहूसियत फैला रखी है। ना तो तुझे घर का कोई काम ढंग से करना आता है, ना ही खाना बनाना आता है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई तुझे बहू बनाकर। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं माँ जी, मैंने तो घर का सारा काम कर दिया है और आपकी पसंद का भोजन भी तैयार कर दिया है। अच्छा, अब तू मुझसे जुबान भी लड़ाएगी, तेरी इतनी हिम्मत। इतना कहकर मीना चिड़िया अपनी बहू टूनी को एक तमाचा मार देती है। बेचारी टूनी चिड़िया अपमानित सी होकर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद, माँ जी पता नहीं आज तो मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है, चाहकर भी मैं उठ नहीं पा रही हूँ। ना तो मुझसे कुछ खाया जा रहा है, ना ही काम किया जा रहा है। ये सब नाटकबाजी मेरे घर में नहीं चलेगी। अरे ढाई मन दाना चुगती है रोज, क्या दो आदमी का भोजन बनाने में तुझे इतनी आफत आ रही है कि तू झूठे बहाने बना रही है? मैं झूठ नहीं बोल रही माँ जी, सच में मेरी तबीयत कई दिनों से खराब है। मुझे लगता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे बहू, तो माँ बनना कोई बीमारी थोड़ी ना है जो तू ऐसे बहानेबाजी कर रही है। घर के काम तो करने ही पड़ते हैं। ठीक है माँ जी, मैं खाना बना देती हूँ। टूनी चिड़िया किसी तरह उठकर खाना बनाने के लिए चली जाती है। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन टूनी की सेहत में सुधार नहीं हो रहा था। एक दिन टूनी का पति वैद्य जी को बुला लाता है। देखो रमेश, तुम्हारी पत्नी टूनी शायद सही से भोजन नहीं करती है, जिसके कारण उसके अंदर बहुत कमजोरी आ गई है। ऊपर से वो गर्भवती भी है। टूनी की भलाई के लिए अब उसे आराम और अच्छे खान पान की सख्त जरूरत है। वैद्य के जाने के बाद, अरे हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, लेकिन ऐसे तमाशे नहीं किए। हर समय बिस्तर पर पड़े रहने से बीमारियां ही होती है। जा, जाकर बर्तन साफ कर। और हाँ, बहुत हो गया आराम, आज बढ़िया सा स्वादिष्ट खाना भी बनाकर तैयार कर देना, मेरी कुछ सहेलियां आने वाली है। लेकिन माँ, अभी अभी वैद्य जी ने कहा है कि इसे आराम की जरूरत है। बेटा अपनी माँ पर भरोसा रख, इन वैद्य का और काम ही क्या होता है। ये तो चाहते ही है कि हम बीमार रहे। तू बस मेरे और बहू के बीच में मत बोल, मैं सब संभाल लूंगी। रमेश चाहकर भी अपनी पत्नी टूनी के लिए कुछ नहीं कर पाता है। बेचारी गर्भवती टूनी चिड़िया पूरे दिन गिरते पड़ते घर के काम निपटाती है और फिर सास मीना के बताए अनुसार उसकी सहेलियों के लिए खाना बनाने लगती है। शाम को, अरे वाह मीना, तेरी बहू तो बहुत गुणी है, कितना स्वादिष्ट भोजन बनाया है इसने, मजा ही आ गया। इसे कहाँ आता है कुछ भी बनाना, ये तो जब से गर्भवती हुई है सारा काम मैं ही करती हूँ, ये महारानी तो बस बिस्तर पर पड़ी रहती है। मीना चिड़िया की बात सुनकर टूनी को बहुत दुख पहुँचता है और वो मीना की सहेली के जाने के बाद उसके पास आती है। माँ जी,
आपने अपनी सहेलियों से झूठ क्यों कहा कि मैं कोई काम नहीं करती? मैं तो दिन रात काम में लगी रहती हूँ, फिर भी आप मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? अरे पेट में बच्चा क्या आ गया है? महारानी के तो तेवर ही बदल गए हैं। सास से बात करने की तमीज भी भूल गई है क्या? आज मैं तुझे याद दिलाती हूँ कि सास क्या होती है। इतना कहकर मीना चिड़िया पहले तो टूनी की डंडे से पिटाई कर देती है और फिर उसे एक जोरदार धक्का मार देती है। टूनी चिड़िया जमीन पर गिर जाती है। आह, ये आपने क्या कर दिया माँ जी? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लगता है मेरा बच्चा नहीं रहा। बेचारी टूनी चिड़िया दर्द से तड़प उठती है। टूनी की ऐसी हालत देखकर रमेश उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। टूनी की हालत बहुत गंभीर है, मेरे समझाने के बाद भी तुमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। टूनी का बच्चा अब नहीं बचा है। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी टूनी तो ठीक है ना? उसकी जान को तो कोई खतरा नहीं है ना? अभी तो वो ठीक है, लेकिन तुम्हें उसका बहुत ध्यान रखना होगा। जो हुआ सो हुआ, अब मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला। अब मैं खुद अपनी पत्नी का ध्यान रखूंगा। मुझे माफ कर दो टूनी, अगर मैंने सही समय पर आवाज उठाई होती तो आज हमारा बच्चा सही सलामत हमारे साथ होता। सब मेरी ही गलती है, मैं कुछ नहीं बोला, इसीलिए माँ के अत्याचार बढ़ते ही चले गए। अगर मैंने तुम्हारा साथ दिया होता तो माँ की इतनी हिम्मत नहीं बढ़ती। छोड़िए ना जी, शायद हमारे भाग्य में यही लिखा था, आप खुद को दोष क्यों देते हैं? दो दिन बाद टूनी हॉस्पिटल से घर लौट आती है और धीरे धीरे अपना गम भुलाकर घर के कामों में जुट जाती है। कुछ दिन बाद, सुनिए मुझे लगता है मैं फिर से गर्भवती हूँ, मेरी तबीयत आजकल कुछ सही नहीं रहती। लो जी, फिर से महारानी के नाटक चालू हो गए, लगता है इसे फिर से बताना पड़ेगा। इतना कहकर मीना चिड़िया गुस्से में टूनी की ओर बढ़ती है। माँ, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है क्या? मेरे एक बच्चे की जान लेकर भी आपको संतोष नहीं हुआ जो आप फिर से टूनी पर जुल्म करने के लिए आ गई? अरे इस बेचारी टूनी ने आपको खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और एक आप हो जिसने कभी इसे अपने घर की बहू नहीं समझा। अरे आप तो इसे बस एक नौकरानी समझती है। अब मैं और मेरी पत्नी इस घर में नहीं रहूंगी। जिस घर में मेरी पत्नी का सम्मान नहीं, मैं वहाँ नहीं रुक सकता। इतना कहकर रमेश टूनी को लेकर घर छोड़कर चला जाता है। टूनी की सास मीना अपने किए के लिए बहुत माफी मांगती है, लेकिन कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और इस तरह मीना चिड़िया अपने घोंसले में अकेली रह जाती है।